नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर अस। हमने एक ऑर्डिन डोनेशन की नॉलेज के लिए एक प्रोग्राम रखा है जो कि नवरात्रि उत्सव जैसा रहेगा रघुलीला माल में। और वैसे नॉर्मली किसी एजुकेशन लिए बुलाते हैं तो पब्लिक नहीं आती है, इस नवरात्रि के हिसाब से पब्लिक ज़्यादा आएगी। नॉर्मली बम्बई में लोग घर आते आते सबर में आते आते सबको 9-10 बज जाता है और उसके बाद घर पर तैयार होते ठान ठाटे दूसरे नवरात्रि उत्सव में जाते हैं, तो नॉर्मली 9:30 के बाद एंट्री बंद कर दी जाती है और 9:45 बजे गवर्नमेंट के हिसाब से स्पीकर माइक बंद हो जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग की इच्छा होते भी वो माँ जी के दर्शन नहीं कर सकते, नवरात्रि नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने एक एसी हॉल में रखा है जो इंडोर हॉल है। इसलिए हमारा इरादा है कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हम नवरात्रि का उत्सव मना सकेंगे। सर, जो ये कार्यक्रम उपक्रम लेते हैं ये सबसे बड़ी बात है, ये मुझे लगता है ये शायद वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ होगा। और नवरात्रि के साथ साथ जो ऑर्गन डोनेट की बात करते हैं ये तो एक आश्चर्यजनक बात है हमारे लिए। एक मैं सुन के पहला मैं निमेश मेहता को बोला कि ये तो बहुत बड़ी बात आपने की कि जैसे उनके उपक्रम में जो उनकी फैमिली पूरा डॉक्टर की वजह से मिलते नहीं है या कुछ भी ऐसा काम नहीं करते या एक्टिविटी नहीं होता उनका, उनके लिए एक अच्छा एक नवरात्रि रखा उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात। जब निमेश जी ने मुझे इनवाइट किया था तो मैंने तुरंत हाँ की, क्योंकि मुझे लगता है, मैं स्ट्रांगली बिलीव कि ये जो इनका जो कॉज है ये बहुत ही अच्छा है। और जो ये डॉक्टर्स एसोसिएशन जो BMB है, इन्होंने जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है, जो ये सोशल इवेंट है, तो वो लोगों की अवेयरनेस के लिए है। और ये जैसे इन्होंने कहा कि एक्चुअली हमें जो हम डॉक्टर्स को भगवान मांगते हैं, हमें जीवन से भगवान देता है, राइट? हमें और कोई जीवन नहीं दे सकता, भगवान के बाद एक डॉक्टर ही है जिसे हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, क्योंकि वो जब हमें होप नहीं होता जीने का तो वो सिर्फ एक डॉक्टर के हाथ में ही हम अपनी सारी होप रखते हैं कि वही एक है बचाने वाला। लेकिन हम ये शायद बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि एक्चुअली विद ऑर्गन डोनेशन हम भी एक तरीके से भगवान का काम कर रहे हैं, बिकॉज इवन व्हेन वी आर नॉट अलाइव वी आर स्टिल एबल टू यू नो इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ अदर पीपल। हम वो भगवान का ही काम कर रहे हैं, हम अपने जीवन में जो हमारे एक्चुअली जो जीवन है हमारा वो हमें भगवान ने दिया है किसी पर्पस के लिए। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं किसी पे फिंगर्स पॉइंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि शायद उनकी पर्पस लाइफ का डिफरेंट होता है। कुछ लोगों की लाइफ का पर्पस होता है कि उन्हें दूसरों की अपने जीवन से दूसरों की भी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करना है, तो वो पर्पस लेके वो जीवन में चलते हैं। और कुछ लोग अपनी खुद परेशानियों में रहते तो शायद इस बारे में सोच नहीं पाते। लेकिन हमें एक मौका और मिलता है कि हम जीवन होते हुए जो नहीं कर पाते हैं वो अपने जीवन के बाद भी कर सकते हैं अपनी ऑर्गन्स को डोनेट करके। और कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो जैसे कि स्टैटिस्टिक्स बताया, विच इज़ एक्चुअली आई ऑल्सो डिड माई लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, और उससे जो मुझे भी मालूम पड़ा कि करीब एक आदमी 8 लोगों को जीवन दे सकता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, किसी को हार्ट डोनेशन चाहिए, किसी को लिवर, किसी को किडनीज या बाकी ऑर्गन्स लाइक आईज एंड कॉर्निया एंड अदर थिंग्स। और टिश्यूज़ और कॉर्निया को लेकर हम लोग 75 लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो सैडली इतने सारे लोग हैं जो कि ऐसे क्यू में खड़े हुए हैं, जो वेट कर रहे हैं कि उन्हें डोनेशन मिले और उन्हें शायद ये होप मतलब ज़िंदगी एक्सटेंड हो जाए उनकी, लेकिन सैडली वो लोग को नहीं मिल पाता क्योंकि लोग अवेयर नहीं हैं। शायद वैसे तो कोई रिलीजन नहीं कहता कि आप ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते हो। और एक बात बहुत अच्छी कही यहाँ पे कि हमें वी शुड एक्चुअली स्पीक टू दी हेड ऑफ़ द रिलीजियस पीपल सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस देयर पीपल एंड दे विल बी मोर विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू डोनेट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली बाय डोनेटिंग आर ऑर्गन्स या फिर जो हमारे जो रिलेटिव्स हैं या
जो भी लव्ड वंस है आफ्टर देयर डेथ, आफ्टर देयर डिमाइस, आई नो इट इज़ वेरी वेरी सैड एंड पीपल हैव देयर सेंटिमेंट्स विद देम कि वो नहीं चाहते कि या फिर दे हैव डिफरेंट आइडियाज दैट दे डोंट वांट कि उनकी ऑर्गन्स को पार्ट किया जाए. दे हैव द सेंटिमेंटल दिस थिंग विद देम, मगर वो ये नहीं समझते कि वो आफ्टर ऑल आफ्टर आर डेथ अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड. तो अगर हम इन फैक्ट उनकी ऑर्गन्स हम किसी को डोनेट कर देते हैं तो एक्चुअली देयर लव्ड वंस आर गोइंग टू लिव अमंगस्ट ऑल दोज पीपल फॉर अ लॉन्गर टाइम इवन आफ्टर दे आर नो मोर एंड देयर स्पिरिट्स विल लिव ऑन एंड दे विल बी एबल टू इम्पैक्ट देयर लाइव्स. एंड नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो गिव्स अ पर्पज टू द फैमिलीज ऑफ द डोनर्स that they have you know been a reason to impact the families and it's a social cause. उसको अपनी इच्छा से अपने organs देना है तो उसमें कोई नियम नहीं है. हाँ, थोड़े indications है जिसमें हम नहीं ले पाते, जैसे कि कोई terminal stage cancer है, HIV है, वैसे cases में organs दूसरे के काम नहीं आते हैं. बाकी ऐसे कोई सख्त नियम नहीं है. Only thing what is lacking is motivation. आज motivation नहीं है, इसलिए ये चीज़ आपको हमें ये सब करना है. अगर कोई कारण से मोटिवेशनल अच्छा हो गवर्नमेंट की ओर से, मीडिया की ओर से और हमारे जैसे एनजीओस की ओर से, तो डेफिनेटली ये एक सक्सेसफुल मिशन हो सकता है. कहते हैं ना कि अगर क्या आप अपने जाने के बाद भी फेसबुक गूगल टीवी देखना चाहते हो तो आप चक्षुदान कीजिए और उसके बाद भी अपनी नज़र आप कायम बना सकते हो. तो ऐसे कोई नियम नहीं है, बस आपकी इच्छा और आपके जाने के बाद आपके फैमिली वाले को मोटिवेशन होना चाहिए कि हमारे फैमिली मेंबर ने ये डोनेट किया है, ये प्लेज किया है, तो आइए हम कंसर्न्ड अथॉरिटीज को कांटेक्ट करें और उनके ऑर्गन्स डोनेट करने के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं. एक मेरा नाम अर्चना महाजन है. पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपने करियर में बहुत सारी नवरात्रियाँ की है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक स्पेशल कॉज, बहुत ही नोबल कॉज है ये, इससे हम लोग जुड़े हैं. और नवरात्रि में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि माता के गरबे हो, कृष्ण के रास गरबे हो. मोस्टली जितने भी गुजराती फोक और जितने भी अच्छे अच्छे गाने हैं, जितने पॉपुलर गाने हैं.